सो बी फोकस्ड, आज का जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? फोकस्ड रहने का व्हाट वी कैन से बेनिफिट क्या है? सो बच्चों ध्यान देखिए, आपको पता है रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, 90% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर आप उनके ऊपर रिसर्च करें गूगल पे, तो वो 90% रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? सो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रोड एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि हम गाड़ी तो बराबर चलाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बट जब हम अपना ध्यान इधर उधर भटकाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, या तो कोई हमको आके ठोक देता है या फिर हम किसी में पेल लेते हैं। ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ईमानदारी चला रहे हो, पीछे से अगर आपको आके किसी ने ठोक दिया तो ठीक है, वो आपकी किस्मत ख़राब थी, बट 90% रोड एक्सीडेंट्स में ऐसा नहीं होता। 90% रोड एक्सीडेंट्स में आपका ध्यान नहीं होता रोड पे, आप या तो फ़ोन पे होंगे या तो फिर बच्चों दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई अच्छी सी लड़की गुजर गई आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कोई अच्छा सीन आया आप उसको देख रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, चला रहे हो गाड़ी और मन में सोच रहे हो कि आज घर जाके मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं। सो बच्चों कहीं ना कहीं जब आप रोड पे ड्राइव करते हैं तो अगर आपका फोकस रोड पे नहीं है तो डेफिनेटली यू मीट विद एन एक्सीडेंट। इन द सेम मैनर बच्चों, जब आप सी एस कर रहे हो, व्हेन यू आर परस्यूइंग सी एस, योर मेन फोकस शुड बी ओनली एंड ओनली ऑन स्टडीज। यू शुड नॉट बी वरीड, आपने ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे यहाँ पे दोस्त के घर पे शादी है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे चाचा ये कर रहे हैं, और ये डिमोटिवेटिंग लोग हैं। बच्चों मेरा लेक्चर होता है, पहला लेक्चर सुबह 6:30 बजे, सुबह 7:45 बजे, बच्चों 6:30 को आई एम इन द क्लास। मतलब मेरे लिए मेरी क्लास से बड़ा, मेरे मेरे प्रोफेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे मोटिवेशनल वीडियो, मुझे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए डालने हैं, मैं कैसे भी डालता हूँ, कैमराज नहीं है, कुछ नहीं है, सेल्फी पे शूट करके डालता हूँ, बिकॉज बच्चों आई एम वेरी क्लियर विथ वॉट आई नीड इन माई लाइफ, और जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए पूरी तरह से फोकस्ड हूँ बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों जो मैं आजकल के बच्चों में देखता हूँ जो मिसिंग है, कि वो फोकस नहीं है। क्लास में चल रही है, दे विल बी बिजी विद देयर फोन्स, क्लास चल रही है उनको ये भी देखना है कि उनके बगल वाला क्या कर रहा है, क्लास चल रही है उनके पीछे वाला क्या कर रहा है वो भी उन्हें देखना है, घर जाने के बाद उनको टीवी भी देखना है, घर जाके टीवी टीवी पे अपन दूसरों का सक्सेस स्टोरी देखते हैं ना, कि मोदी इलेक्शन जीत गया, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दिया, अरे बाबा वो लोग फोकस्ड थे इसलिए वो लोग न्यूज़ में आ रहे हैं, अपन सिर्फ उनका न्यूज़ देख रहे हैं यार, और अपन उनको नहीं, उनका न्यूज़ देखने के चक्कर में अपन अपना फोकस हटा रहे हैं। अगर आप सी एस कर रहे हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम जॉब करते करते सी एस करें, बच्चों हमेशा याद रखिए, वो चीज़ जो आपको सी एस कोर्स से दूर कर दे, वो चीज़ जिससे आपका फोकस भटक जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको प्लीज़ बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आदर पूर्वक कि कृपया वो चीज़ मत कीजिए। बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहिए, और कोई भी डिस्टर्बेंस आए, कोई भी डिस्टर्बेंस आए, फैमिली प्रॉब्लम है फैमिली छोड़ दीजिए, आप हॉस्टल में जाके रहिए वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। सर थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है जब मैं ये बोलूँ कि फैमिली में इश्यूज हैं, बट यू डोंट बी विथ योर फैमिली, लीव योर फैमिली एंड देन मूव टू सम अदर प्लेस, और थोड़े बहुत पैसे का अरेंज कीजिए बट पढ़ाई कीजिए। सर आप ऐसा इतना रूडली बोल रहे हैं कि फैमिली छोड़ दीजिए अगर फैमिली में इश्यूज हैं, बच्चों यस, क्योंकि आप फैमिली छोड़ रहे हैं फैमिली के भले के लिए। बच्चों बच्चों मुझे पता है मैंने सी एस करके अपनी फैमिली के लिए कितना अच्छा किया है और मैं कितना अच्छा करूँगा आगे जाके भी। बच्चों एक बार आप सी एस बन जाइए, एक बार आप लाइफ में कुछ बन जाइए, उसके बाद देखिए आप अपनी फैमिली के लिए कितना अच्छा करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपको किसी के लिए अच्छा करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ रह के उसके लिए अच्छा करें, आप अलग रहिए। अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई कोई भी पर्सनल इश्यू है बच्चों, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लफड़ा है, छोड़ दीजिए बच्चों, सी एस कर लीजिए, उसके बाद ना जितना करना है करिएगा, बट मेन फोकस है सी एस पे फोकस कीजिए, और कहीं पे भी फोकस मत कीजिए। जो भी आपके डिस्ट्रैक्टिंग फ्रेंड्स हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, फोकस शुड ओनली बी ऑन सी एस, एंड यू हैव टू बी द बेस्ट सी एस, यू हैव टू अर्न अ पैकेज ऑफ ₹5 करोड़, दैट्स इट, दैट्स दैट शुड बी योर टारगेट, एंड डिसाइड डेट्स, 24-22 केज में मुझे सी एस बनना है, अगर बी कॉम के बाद स्टार्ट करें तो 24 केज में मुझे सी एस बनना है, 26 केज में मुझे एक छोटी कार खरीदनी है, 28 केज में मुझे होंडा सिटी खरीदनी है, 30 केज में मुझे XUV500 खरीदनी है, 32 केज में, 31 केज में मुझे एंडीवर खरीदनी है, और 35 तक मेरी BMW आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो बच्चों सर आप कितने साल के हो? मैं 33 का हूँ। सर आपने कौन सी कार खरीदी बच्चों? आई हैव रिसेंटली बॉट अ BMW 5 सीरीज, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एंड प्लीज़ वर्किंग हार्ड बच्चों। मैं सिर्फ ये जो
आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ फोकस जो भी मेरे को लाइफ में मिला है वो सिर्फ फोकस और अपनी डिग्री के ऊपर विश्वास से मिला है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।